बारिश का मौसम आते ही जहां गर्मियों से राहत तो मिलती है, लेकिन बाढ़ की परेशानी बिहार वासियों को परेशान करना शुरू कर देती है। बता दें कि बिहार की नदियों में जलस्तर में वृद्धि होने से कई जिलों में बाढ़ की हालत बनने लगे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए गोपालगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर के साथ साथ 6 जिलों में NDRF की तैनाती की गई है। बता दें कि बाढ़ की हालत से निपटने के लिए गोपालगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, सुपौल में NDRF की सभी 7 टीमों को तैनात कर दिया गया है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि इसे देखते हुए कंट्रोल रूम भी अब पूरी तरह से तैयार हो रहा है। बता दें कि नेपाल की ओर से भारी बारिश की वजह से जल स्तर में वृद्धि है और इसी को देखते हुए बाढ़ के हालत पैदा हो रही। वहीं NDRF के कमांडेंट सुनील कुमार सिंह ने इसको लेकर के बताया कि NDRF की सभी टीमें जिलों में पहुंचकर जिला प्रशासन को सूचना देगी, जिसके बाद जिला प्रशासन वहां की स्थिति और हालत को देखते हुए टीमों को ड्यूटी पर लगाएगा और सभी निर्देश दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर का कटरा प्रखंड एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ चुका है, जिसकी वजह से आधा दर्जन से भी अधिक गांवों में पानी घुस चुके हैं और करीब 2 दर्जन स्कूल इस वजह से प्रभावित हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि दरभंगा के भी 3 स्कूल प्रभावित हुए हैं और वहां पर भी बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। बिहार जहां हर साल बाढ़ से परेशान और जूझता नजर आता है, कई घर जहां सड़कों पर आ जाते हैं, कई घर डूब जाते हैं, तो वहीं कई स्कूलों का भी नामो निशान खत्म हो जाता है। पशुओं को भी कई परेशानियों को झेलना पड़ता है, लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं। इन सभी को देखते हुए जहां मुख्यमंत्री हर साल यह प्रयत्न करते हैं कि इन लोगों के लिए पूरी कोशिश करके इन्हें सुरक्षित रखा जाए, बाढ़ से बचाया जाए, लेकिन फिर भी यह स्थिति बनती ही रहती है। इसे लेकर के जो भी अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो सिटी पोस्ट लाइव।